और सीमन आयोग की रिपोर्ट सीमन होता क्या है, ठीक है, लिखो विधायी निकाय वाले अवध वो गुजरे क्या वैभव कर रहे हैं, वैभव कर रहे हैं, इधर उसने कुछ किया दो दिन भाई है, ठीक है, आवाज जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, विधायी विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। मतलब क्या है कि जहां भी लोग चुनाव जो लोकतंत्र का आपका स्टेट या विधानसभा होता है या लोकसभा होता है परिसीमन मतलब क्षेत्रों को सीमांकित किया जाता है। हो सकता है कि परिसीमन में एक विधानसभा बड़ा हो तो दो बना दें, एक अभी विधता का आधार पे तो सीमाओं का निर्धारण होता है कि इतना इतना यहाँ यहाँ का क्षेत्र इस विधानसभा का नाम जन जो पहले क्या था हरदोई अकेले था, बाद में हरदोई मिश्रित दो लोकसभा क्षेत्र बन गए, जब परिसीमन बना तो उसके क्षेत्र लगाकर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ भी इलेक्शन कराना एक पूरे जिले में आसान है। जैसे आप देखते हो कई जिलों कुछ जिलों में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, कुछ जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे जिनका आकार है जैसे जिनकी जनसंख्या है जैसे वहाँ का प्राकृतिक विषमता है या क्षेत्रीय विविधता है उस आधार पर परिसीमन आयोग निर्णय करता है, ठीक है। देखो पृष्ठ केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हो गया है पता है ना, हाँ हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रदेश में एक बार पुनः परिसीमन के लिए आयोग बनाया गया है, एक बार पुनः परिसीमन के लिए आयोग बनाया गया है, परिसीमन के लिए आयोग बनाया गया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ये अध्यक्ष है किसकी परिसीमन आयोग की अध्यक्ष है, हेलो देखो अगला पॉइंट बनाते जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों में भी परिसीमन आयोग ने बदलाव किया है, अब यहां जम्मू और कश्मीर दोनों सभा
भागों को मिलाकर दोनों संभागों को मिलाकर पांच सीटों का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार विधानसभा हेतु सदस्यों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। 90 कर दी गई है। जिसमें जम्मू संभाग में जम्मू के हिस्से में जम्मू संभाग में 43 सीटें जम्मू संभाग में 43 सीटें एवं कश्मीर संभाग में 47 सीटों का प्रावधान किया गया। हिस्सों में वृद्धि होगा, हिस्सों लिखे हो, अरे जहां बनकर वहां वृद्धि लगा दो, आगे बैठे हो तो हाल को पता करो, ये चीज क्या जम्मू कश्मीर पर सीमा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक चीज यही है, रंजना प्रकाश देसाई क्या है इसके अध्यक्ष, ठीक। जब से के सचिता बना है इसमें जो सात पहले में जो सात जो लगा हुआ चले गए तो सात जो कम हो गया था फिर से उसको राज्यों में जो विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्रों में फिर से उसका जनसंख्या के निर्धारित कर बदलाव हुआ, इसलिए परिसीमन आयोग गठित किया गया और परिसीमन आयोग ने 83 से बढ़ा के 90 कर दिया विधानसभा सीटें जम्मू कश्मीर में, जिसमें जम्मू संभाग में 43 और आपका कश्मीर संभाग में 47 टोटल मिला के 90, ठीक है। अगला लिखिए देखो कान फिल्म महोत्सव कान हाँ कानपुर नहीं कान फिल्म महोत्सव क्या हो गया था और फिर से कौशल जरा हो रहा है कान फिल्म कहाँ है कान फेमस कान कोई नहीं बताएगा जिसे मैं पूछूंगा कान फिल्म समारोह का फेमस है विश्व में किस देश में होता है सीरियल देखो कि फिल्म कभी नहीं देखो कि नहीं है और दोनों नहीं पता है और कौन बताएगा योगिता जान लगे आज इतना सब कुछ करेंगे फिल्म हम लोग देखते हो इसको मैं कहूंगा ही नहीं इतना बन मोबाइल चलाकर कभी सर्च कर लो इतना फेमस चीज आता रहता है कान फिल्म समारोह आपको ज्ञान में पीछे पीछे गए हैं पीछे चारों दे दिया क्या करेगा पूछी लड़कों को बताओ
आपके फ्रेंड्स ने मेरा है क्लास में कारण के फ्रेंड्स ने मेरा है रिया हां है वो बोझ नहीं है तेरे काट का उसको बताओ हम लड़कियों से इसलिए ना तो एक साल को टारगेट करके पूछते हैं हमारा उद्देश्य यह है कि दोनों पाले बराबर हो ठीक है तो लड़के बताती है ठीक है मैं ये भी कहा आधी लड़की को सुनना ही नहीं बताए क्या मैं ये भी जाना जबकि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है तो आधे तो लोगों ने सुना ही नहीं मैं ये भी कहा जब दो बता दी है क्या सुने सुने ये क्या सुने कहा ना मैं कहा ना अरे प्राथमिकताएं कुछ और हैं सुन लिया तो कम से कम सुने हो कहा किस मार्केट में है फ्रांस में चलो ठीक है फ्रांस समय पर बात ना फ्रांस में है अब फेमस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रदर्शनी है जब गया होता है तो पूछे जाते रहे कि भारत की कौन फिल्म दिखाई गई किस फिल्म का प्रदर्शन हुआ कौन बोले जो जीता ऐसे करके आता रहा है ठीक है तो लिख लो कान फिल्म समारोह लेकर ब्रैकेट कहां से भी लिख लो ऊपर नहीं मिलेगा ठीक है आपको करंट भी पढ़ते हो न्यूज पेपर भी देखते रहो तो सीरियल देखने से काम नहीं होगा अब ये मत करना सीरियल भी देखो बहुत लोग देखते हैं देखते हो ना कोई लगता देखते हो सीरियल ना आप कोई सा ईमानदार कोई सीरियल नहीं देखता पहले सब देखते हो क्यों सुनी थी नहीं देखती क्योंकि फोन को तो दो घंटे चलता है उसी में हम लोग भी देख लेते हैं पता नहीं देखती बैठे बैठे क्या करो हिम्मत नहीं चलो बदल दो जान ही नहीं होगी जो लोग हमको जान रहे हिम्मत है बदल दे किसी की नहीं हिम्मत जो चैनल बदल किसी की बात उतरी थी किसी की बात उतरी थी बात में कहा निरीह प्राणी भारतीय समाज में निरीह प्राणी से कहा जाता किसको हस्बैंड सुनने की बात कर रहा हूँ अपवाद होते हैं जो पीट पाट देते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो चीज है सीरियल व्यक्ति भी देख लेता है बहुत लोग सीरियल देखते हैं ऐसी बात नहीं है जो कह रहे हैं सीरियल नहीं देखते आज ये सीरियल देखते हैं सीरियल ही मत देखो क्यों जो फिल्में देखना मैं बुरी बात नहीं कर रहा हूँ तमाम चीज़ें हैं कि लोग अपना हॉबी बताते हैं कि मैं वॉचिंग मूवी मेरी हॉबी है इंटरव्यू में डालते हैं लेकिन उससे मेरा विनम्र निवेदन है कभी ऐसी हॉबी न लिखे पूछा था मैं ऐसे लोग का हॉबी में यूपीएससी में मेरे सामने मैं देखा हूँ कि डांसिंग चलो डांस करो नाचो नचवाए हैं गाना वो माँ ये मतलब था गाना सुनना है ये कर अगर अगर ये भी यही तो जब दो नदी पे ऐसे जब कहीं यहाँ नहीं वहाँ का कि अब तो ये कह दे कि नहीं चलो क्लासिकल ना चलो उसके पास क्या होता है आपका डीए पता नहीं क्या एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपका सब आप एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास रखे होते हैं सिस्टम से और सबका उनका समरी बन उनके पास आता है इनका हॉबी ये है तो जो हॉबी है तो उनके पास रहता है अगर म्यूजिक है वॉचिंग मूवी है या लिस्टिंग सॉन्ग है डांसिंग है तो सीरियल बना कर रखा मालिक के लिए वही नाचो नाचो अभी तो नहीं सब मुझे तो पसंद है अब आप और सुनो और हॉबी एक ऐसा चीज़ है मैं बता रहा हूँ हॉबी ये आप आत्मघाती सवाल होते हैं हॉबी दो वही ना बता हॉबी बताओ मेरा हॉबी है वॉचिंग मूवी क्रिकेट मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ ऐसे क्वेश्चन दाग देंगे हैं छू जाएंगे नहीं वो कहेंगे ना कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ ऐसा आप खड़ा पूछेंगे अरे सर
मनोरंजन करता हूँ तो हॉबी का मतलब यही होता है। हॉबी क्या होता है? हॉबी यही होता है कि जब आप फ्री मूड में कोई अच्छा चीज करना चाहते हैं तो आप करते होंगे, तो इंटरेस्ट होगा तभी तो करते होंगे। नाचने को तैयार रहे गुरु का ये नहीं कि मैं माइकल जैक्सन का मूड वॉक करूंगा, वो नचवाएंगे कथक पे। बागवानी बताए, बागवानी यूपीएससी में अगर आपको किस्मत कभी हो धौलपुर हाउस में जाने का मिले, जो मुझे 3 बार मिला है यूपीएससी इंटरव्यू में, तो आप वहाँ जाओगे अंदर पूरा जो यूपीएससी आईएएस की इंटरव्यू होता है ना, अंदर वो पूरा बागवानी है और हजारों किस्म की वैरायटी के फूल हैं। इतना कहाँ गर्म हो रहा है, बट कैसे न करें तुम लोग, थोड़ा गर्मी में रहना सीखो ठीक है। और इतनी वैरायटी है वहाँ, आओ चलो 5 मेंबर उठा के चले कैंडिडेट अपना इससे ऐसे नहीं कर है ऐसे मुझे कौन पूछ पाए, पसीने छूट गए। उनकी तो हॉबी थी केवल वो बागान या फूल, ये इस तरह का बागान की हॉबी थी, और वो ऐसे पूछ पा ना पूछे बेचारा सुना ही ना, वो निकलते करते पसीना छूट गया हमसे। मैं साइकिलिंग डाला था हमसे भी पूछे, मैं बच के डाला था साइकिलिंग ब्लैंक चेस कौन सा चेस बताइए कि पहला ऐसा विद्या के अलावा सैनिक के अलावा पहला कौन सा मोहरा चले सैनिक के अलावा जो आपको मतलब बिना सैनिक हटाए आपको चलना है। घोड़ा था क्योंकि मैं खेलता भी हूँ चेस, चेस ठीक खेलता हूँ चेस मैं क्योंकि खेला था इसलिए पता। फिर उसके बाद पूछे चेस, अच्छा चेस के जो अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप हैं तो बताइए क्या चेस ओलंपिक में है, या चेस किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कौन कौन चेस है, ग्रैंड मास्टर किसे कहते हैं, आपके पहले ग्रैंड मास्टर में चल लो अभी चेस तो बचा लेंगे, साइकिल भी बचा लेंगे, बुझाए कहीं दूसरी जगह बुझाए बुझाते हैं सब। यहाँ डीजीपी उसमें थे, कोई डीजीपी पाए से खोपड़ी के थे मेरे याद, उसमें 2008-09 में डीजीपी हुआ करते थे, 8-7 क्या था, हाँ 8-9-10 में डीजीपी हुआ करते थे, नाम नहीं याद, कोई याद नहीं आ रहा, वो बैठे थे पहचान गई तो खोपड़ी में बहु वही है ये जी। वो डीजीपी तो एक्सपर्ट है, जब पुलिस आपको क्वेश्चन पूछने आते हैं बात बता दो, आपको मौका मिलेगा तो जाओ देने के लिए, बड़ा मजा आता है देने के बाद लगता है हाउस सबको मौका नहीं मिलता वहाँ जाने का, वहाँ बैठने का सबको नहीं मौका मिलता वहाँ, और क्या ये लगता कि शर्ट उठा के बाहर ना जाए और क्या। और सबसे बड़ी कब्रगाह कब होती है, जब एक का हुआ बाहर खड़े रहो बैठे रहो बैठा ये कब निकले कब जाना कब निकले, तब बहुत प्रेशर की बात होती है। एक लड़का था असिस्टेंट कमांडेंट था, उसकी आवाज़ नहीं निकली राकेश त्रिपाठी को, राकेश त्रिपाठी लड़का था उसकी आवाज़ ही नहीं निकली, तो बेटा बोलो बोलो बेटा बोलो, एक असिस्टेंट कमांडेंट था थोड़ा सुन के जाओ, था वो सुन के जाओ, क्या बोलो बड़ा पानी पे पानी पानी ने दिए फिर भी नहीं बोला क्या था बेटा जाओ। ये प्रेशर होता है इंटरव्यू रहा और वो और ऐसा भी नहीं है कि कोई 30 बार खाने बोलते हैं उनकी महिला मित्र ही थी, तो बाद में वो दोनों एक साथ ये नहीं हुए, बाद में लड़की ये एसडीएम हुआ और बैचमेट और लड़किया यस हुए, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा चर्चा कर लेकिन उनका नाम लेना चाहूँगा, इस समय कहीं नियम यूपी में मैं नाम लेने के जाए पहुंचा, अच्छा आप वो कैसे पता
भाई मित्र का नाम है या उनका नाम नहीं लेकिन कहीं भी या नहीं समझी रही ठीक है ये तो वो नहीं करे हम पता नहीं मेरा कैसा हो गया तो आप सिस्टमेटिक वे में बनिए ठीक है लेकिन इसका मतलब नहीं कि सभी कुछ जाएंगे जो है एनर्जी से पढ़ेगा मेहनत करेगा वो नौकरी पाएगा सेलेक्ट होगा ठीक है जमीन आज दूसरे बात नहीं है वो कल जो युक्ता को बैठा था कुशवाहा अमित कुशवाहा नहीं नहीं पहले जो था उसके बाद गया गया वो थक गया अपना लेकिन ठीक ना आई है गया ताकत पड़ा नहीं है सर ऐसा होना भी जरूरी है अब हम यहाँ पर आते हैं क्या कुछ देर बाद कुछ होने चाहिए देखो अगर देखो पांच देखो स्पोर्ट भारतीय होता है स्पोर्ट होता है स्पोर्ट में मतलब भारतीय होता है तो देखो फ्रांस के दो वर्ष 2022 के का वर्ष 2022 का ये का निकाल दो वर्ष 2022 का थोड़ा सा वर्ष 2022 का फ्रांस में वर्ष 2022 का फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव का कान ये कान है ईयर वाला नहीं कान कौन फिल्म महोत्सव का 75वां संस्करण आयोजित किया गया इस महोत्सव में इस महोत्सव में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर मार्कर नहीं है क्या मार्कर नहीं अपनी संपत्ति बचाए क्या क्या पैसा होगी संपत्ति मिल जाएगी जब कहीं न मिले तो अपना नहीं कंट्री ऑफ ऑनर ठीक है चुना गया था कल के चुना गया था चुना गया था अगला पॉइंट लिखो इस महोत्सव में भारत की ओर से आर माधवन द्वारा निर्मित फिल्म आर माधवन नाम सुने हो यस सर अभी सर निकली थी तो मूवी बहुत आगे निकल गई जिस मूवी का नाम बता वही मूवी बनाया है निर्मित फिल्म रॉकेट थ्री क्या नाम है रॉकेट थ्री अवार्ड प्रीमियम किया गया अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम महोत्सव हो और उसमें कहीं भारत की प्रस्तुतता चुकी हो ठीक है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये फिल्म प्रदर्शन का इस फिल्म का आधिकारिक रूप से प्रवेश दिया गया रहा होगा तब इसका प्रदर्शन होगा कर लेना ठीक है अगला इसका मैं लिखूं इस वर्ष भारतीय मंडप जो भारतीय जो गैलरी थी इंडियन गैलरी थी भारतीय मंडप का थीम है इंडिया द करंट पर्व
इंडिया द करेंट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया द करेंट ऑफ द वर्ल्ड ये आपका थीम थी भारतीय गैलरी इंडियन गैलरी की। उसके बाद क्वेश्चन में देखता हूँ पहले तीस को पूछता था आपका थीम क्या है, ठीक है ये था। अब पुलिस का कोई स्कूल लिखो यह दो लड़का यह देश की भाषाई यह देश मतलब भारत की भाषाई भाषाई सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के भाषाई सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के हम लिखेंगे कौशल क्या लिखे हो जिम्मेदारी पढ़ो भाषाई और क्या है कहां रहता है दिमाग हमेशा करता हूँ मुझे वो उदाहरण हमेशा मत दिलवाया करो जो बजा सकते थे जो सबको पता है। मैं नहीं चाहता कि सबको दू हालांकि बहुत इतना और भी नहीं है, ठीक है वैसा शब्द लिखा करो सांस्कृति को सांस्कृतिक को छोड़ गया भाषाई को भाषाई को और बिंदी को कितना गलत किया होगा बता रहा हूँ। एक बार क्या शब्द लिखा आगे प्रदर्शनी आई इधर बैठे ये सब आगे बैठती शब्द लिखती इधर ये सब शब्द लिखते हैं आगे बैठने वाली पिछले नजर पड़ती है और बहुत बोलता हूँ को बुरा भी होता है मेरा कोई फायदा नहीं है कोई फायदा मेरा क्यों मैं ना रुकाऊ कोई फायदा है कोई फायदा लेकिन एक बार रुक देंगे तुम्हारा गलती नहीं करोगे देखते चलो क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन करेगा भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन करेगा सिनेमा का प्रदर्शन करेगा करेगा और यह वैश्विक समुदाय के और यह वैश्विक समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए वैश्विक समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म काम करेगा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का काम करेगा वैश्विक समुदाय की निधियों ये नेट एक भाग गया और ये मैं ये भी कहूंगा ये सीएसएम कॉलेज के पीजी का पास हर बच्चा है समझ लो उनसे एक सब इंजीनियर है ना दो सर एक सर मैं बोल रहा हूँ क्या ये लिखेगा क्या कि बात हमारे बगल में कौन मिलेगा सर ये हो गया एकाग्र ध्यान रखो ठीक है शुद्ध लिखो चलो अगला क्या ना लिखो बॉलीवुड अभिनेत्री अगला क्या ना लिखो अगला बॉलीवुड और बॉलीवुड अभिनेत्री बॉलीवुड की सही लिखा होगा और करना बॉलीवुड का लिखोगे इस
सिस्टम पर भी आ गए अभिनेत्री दीपिका पादुकोण क्या हो गया पसंद नहीं अभिनेत्री
हो इसमें रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पॉइंट बना दीजिए, एक हिट हो गया। रेल तेल का तो रेल तेल आंध्र प्रदेश एक कंपनी है, आंध्र प्रदेश जोन है कंपनी का, आंध्र प्रदेश में एक जोन, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम परिसर में, विशाखापत्तनम परिसर इसलिए स्टेशन का परिसर है ना, परिसर में हेल्थ क्लाउड, हेल्थ क्लाउड यानी स्वास्थ्य बादल है, हेल्थ क्लाउड, हेल्थ क्लाउड को स्थापित किया था, निष्ठा। अगला पॉइंट यही जो आंध्र प्रदेश में एक जोन, ये देखिए आंध्र प्रदेश में एक जोन, जो को लिखा हूं आंध्र प्रदेश में एक जोन, दुनिया का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माता केंद्र है, एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है, इसको AMTZ भी कहते हैं, इसको AMTZ इसी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में एक जोन देश है, ठीक है, AMTZ ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए लिखा दे रहे हैं क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन WHO इन्वॉल्व है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश बैटेक जोन के साथ किस वैश्विक कंपनी ने सहयोग करके ये मतलब बनाया है, केवल कंटेनर हॉस्पिटल बनवाया है, तो WHO हो जाएगा, फिर WMO हो सकता है, कुछ भी बना सकते हैं आप, कुछ सुबह बना सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये रहेगा बनाने के लिए। ध्यान है नहीं, चलो देखो देखो यही आंध्र प्रदेश में एक जोन या चाहो तो लिख लो AMTZ, ऐसे लिख लो AMTZ लिख लो AMTZ के परिसर में निर्मित, के परिसर में निर्मित, एक परिसर में निर्मित हेल्थ क्लाउड का उद्घाटन, हेल्थ क्लाउड का उद्घाटन मई 2022 में
नहीं तो खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, होता है ना, जब से आगे बैठ गया है हम भी जीव गए हैं। मई 2022 में डब्ल्यू एच ओ के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया गया यानी समझ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि आपका जो ये मोबाइल कटिना हॉस्पिटल है इसमें वैश्विक संगठन डब्ल्यूएचओ इन्वॉल्व है, ठीक है, इसके सहयोग से ये मोबाइल कटिना हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई, ठीक है। एक बार और लिख लो, चलो हो गया, अगला लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट रीजनल रैपिड ट्रांजिट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन ये हेडिंग हो गया, लिखो ट्रेन लिखो, क्या हो गया अच्छा लिखो, जब दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेनों का पहला ऑर्डर गुजरात के सावली स्थित गुजरात के सावली स्थित एम्स का कार्यालय एल्स्टा कारखाना में बनकर तैयार हुआ है। इस ट्रेन का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। अभी जो ये ट्रेन ना NCR परिवहन निगम को दी गई है, नेशनल कैपिटल जो दिल्ली का क्षेत्र है उसको दी गई चलाने के लिए, ये अभी दी गई है। ठीक है, और मेक इन इंडिया में मतलब जो भारत भारत में निर्मित है, और अगला लिखो भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन, भारत के पहले इथेनॉल, पहले चुनाव संयंत्र का उद्घाटन। ठीक है, सुने बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। इधर क्या बताएंगे गुरु? और नीतीश कुमार कौन है? तो ये घर के जो बोले थे उसकी घर के बोल दी थी क्या है? तो यही है, क्यों पूछने के बाद नहीं पढ़ते हो कभी? अब देश के प्रदेश के जो इसमें कुछ दिन पहले बात चर्चित में मुख्यमंत्री हुए थे, ये भी नहीं पता है? तुम पता देखते हो? नहीं पता है सकता, ये देखते हो ना? देखते हो क्या? देखते हो देखो बगल में और मुख्यमंत्री बिहार के आप ये बता है, इस पेपर तुम्हें नहीं पढ़ते होंगे, सब इस पेपर पढ़ते हैं। इतना घटना क्रम हुआ था, नाम याद नहीं आ रहा है, और पूछो आगे पीछे याद आ रहा हो? आगे पीछे याद सुने हो तो बता दो। आपको न्यूज पेपर ही बताया इसमें देखते हो, उसमें ये तुम्हें ढूंढते हो कि कहाँ पाओ में कहाँ सस्ता मिला है मत एक प्रदीप फ्री ऐसा नहीं देखते हो? किसी पर योगिता और मुख्यमंत्री बिहार के, हाँ बिहार के बगल एमपी की है तो करने की जानना जरूरी है। नहीं तीन चार एक हफ्ता पहले दस दिन पहले चर्चित हुई थी, क्यों चर्चित? क्यों चर्चित थे यही बताएंगे, जो बताया उत्तर क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चित थे एक हफ्ते पहले? शांत रहो, इधर के अनुमान से पार्टी अपना नया किस पार्टी के है आगे सुरुचि आगे त्रिज्या देखिए हो और पीछे चारो दे दिया पीछे के नाम लोग ध्यान देने का पता करता लगना और होना फर्क होता है। ये है हार्मोनी का प्रेम, रुक जाओ इधर को क्या लड़कियों को तो देख ले पांचों कांग्रेस कांग्रेस तो बेचारी खुद पार्टी का सागर उठी हुई है कांग्रेस मेघा रूपम जेडीयू की पार्टी है इसकी मैं मेघा रूपम बता दी इसलिए मैं नहीं पूछना चाह रहा था इससे मैं नहीं लड़की को पूछना चाह रहा था दो तीन हमें टारगेट नहीं कि थोड़ा थोड़ा लाठ देखते हैं बता देते हैं बाकी लोगों को मैं देखता भी बराबर लोग हो जाए लड़कों में जनता बता दीजिए जनता दल यू के थे कांग्रेस के नेता थे अब इसमें अब भी उसी में
हैं केवल गठबंधन बदले थे, एनडीए से हटके राष्ट्रीय जनता दल का साथ ले लिए, यानी भाजपा का सहयोग था वहां से छोड़ दिए और ले लिए। मिर्जापुर से आगे बिहारी घाट है, चंदौली के आगे बिहारी घाट नहीं है, तो बिहारी का हमारे पास तमिलनाडु की भोजपुरी ही है, भाषा जो स्टार्ट हुई भोजपुरी ही है, बोलते यहाँ पढ़ने पढ़ाने में आ गई भाषा, और वो अपनी मातृभाषा नहीं जाएगी, जहाँ लोग बात कुछ भी नहीं जाती है ना, तब बात की बात है। देखो और सुनो श्रेया, तो मैं बता देता हूँ वही चीज होता है, अब आप बताइए, अरे मैं क्या नया बताऊ, क्या नया बताऊ, तब देखो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित परोरा देखो
और लिख लो बस इसी में जाओ बैठेंगे बैठेंगे चेंज हो गया बाद में थोड़ी ज्यादा चेंज कर दिया ना उस वक्त पहले श्री शरद प्रभु का था क्या रह गया फिर केस में होया कैसे चलेंगे और गांव जाएंगे गलत होगा कल सब प्रश्नों में ये नहीं होगा गांव में जाएंगे उत्तर अपने गांव के दो मिनट पहले से बजाने स्टार्ट पर जब तक बीटा इंटर में था बहुत एक तेज होती थी मोदी मोदी जी आए होंगे पहले से हाँ आप लोग एम्बुलेंस भाई कोविड में लोग डर गया हर जगह घुस रहे आवाज सुनाई दे रही थी अब भाई मोदी जी आए तो भाई ये जो अलग विशिष्टीकरण चीजें थी हटवा दी लेकिन पुलिस के पास अब भी है सीओ को अभी भी करते चलते हैं क्योंकि स्वरूप बदल गए हैं पहले नीचे वाले भी लगा लेते चलो कोई बात नहीं लेकिन उस लेवल में तो पहुंचो नॉर्मल रेट ईमानदार रहो ये पैसे माना देखो भारत डबल ए की ए ऐसे बिल्कुल मैं बताऊंगा डबल ए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी अथॉरिटीज एशियन इलेक्शन अथॉरिटी अथॉरिटीज है एसोसिएशन ऑफ एशियन नीचे हम इतना सदुपयोग नहीं कर पाते कुछ लोग इसका सदुपयोग नहीं कर पाते एशियन इलेक्शन अथॉरिटी फिलीपींस के मनीला में फिलीपींस के मनीला में वहां वाले फिलीपींस के मनीला में मई 2022 को 7 मई 2022 को भारत को सर्वसम्मति से 7 मई 2022 को भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी यही AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है ये पांचों देवी करके बताएंगे मनीला किस देश में है दोनों बस
चलो नेक्स्ट ईयर भी ठीक है, क्लास विसर्जित हुई।